गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज पोस्टोलॉजी। पोस्टोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट। इसके अंदर आपको सारी नॉलेज मिलेगी, कैसे डोजिंग होनी है, क्या तरीके से हमारे को डोजेज सेट करनी है, वो किस समय लेनी है, ये सारा पोस्टोलॉजी के अंदर हमारे को पढ़ाया जाएगा। सो वॉट बेसिकली पोस्टोलॉजी मीन्स, इट इज obtained from a Greek word which is posos plus logos, which means how much, science of how much. Posology is a branch of medical science which deals with the dose or quantity of dose which can be administered to a patient to get the desired pharmacological action. तो posology क्या है? एक ये वो branch है science की जो ये किस बात में deal करती है कि कितनी quantity drug की या कौन सी dose drug की एक पेशेंट को एडमिनिस्टर करी जाए ताकि उसको जो हम चाहते हैं, जैसा हम एक्शन चाहते हैं बॉडी के अंदर वो करे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जैसा हम चाहते हैं वैसा वो प्रोवाइड करे। तो दिस इज व्हाट मींस, व्हाट इज मेंट बाय पोस्टोलॉजी। कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं? एज, सेक्स, बॉडी वेट, हम इनको, ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको हम अच्छे से पूरे कंप्लीटली आगे पढ़ेंगे। एज, सेक्स, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स, प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज, एक्यूमुलेशन, एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, इडियोसिंक्रेसी, टॉलरेंस, टैकीफाइलेक्सिस एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। तो ये सारे फैक्टर्स हैं ये जो इस बारे में इन्फ्लुएंस करते हैं कि कौन सी डोज, किस तरह की डोज हम सेटल करेंगे अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स। फर्स्ट इज एज। द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मेनी ड्रग्स मे चेंज विद एज। तो जैसे आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जो बच्चों को हम दवाई देते हैं और जो एडल्ट्स को हम दवाई देते हैं वो कम होती है। इसी तरह जैसे हम कहते हैं कि क्योंकि बुजुर्गों का जो ओल्ड पीपल हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म है एक दवाई का वो लेस हो जाता है, तो उनके केस में भी हमारे को दवाई को थोड़ा सा लेसर अमाउंट देना पड़ता है। द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मेनी ड्रग्स मे चेंज विद एज। सो व्हाइल डिटरमाइनिंग द डोज ऑफ ड्रग, द एज ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल नीड लेसर अमाउंट ऑफ ड्रग देन नॉर्मल एडल्ट डोज बिकॉज दे आर अनेबल टू एक्सक्रीट द ड्रग टू द एक्सटेंट एज एडल्ट। ठीक है, तो जैसे बच्चों के अंदर और बुजुर्गों के अंदर हमारे को कम डोज देनी पड़ती है क्योंकि उनकी टेंडेंसी उसको मेटाबोलाइज करने की और एक्सक्रीट करने की कम होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ नॉर्मल एडल्ट। नेक्स्ट इज सेक्स। सेक्स में क्या है कि जैसे विमेन है और मेन है, दोनों अलग अलग सेक्सेस हैं, ये दोनों एक दवाई को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी दवाइयों को ऐसे करेंगे, बट कुछ केसेस के अंदर कुछ दवाइयों को ये अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मॉर्फिन एंड बारबिट्यूरेट्स प्रोड्यूस मोर एक्साइटमेंट बिफोर सिडेशन इन विमेन। जैसे मॉर्फिन है, बारबिट्यूरेट्स हैं, इन ये जो दवाइयां हैं जब ये विमेन को दी जाती हैं तो इसके अंदर पहले एक्साइटमेंट आती है, उसके बाद सेडेटिव इफेक्ट आता है, बट मेन के अंदर इसका सिमिलर इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं आता। स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन व्हेन ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो फीमेल्स के साथ क्या है, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन ये एडेड है उनकी बॉडी के साथ, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन इज अ लाइफ लॉन्ग साइकिल जो उनके साथ हम हर महीने है। प्रेगनेंसी जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान, लैक्टेशन मींस जब मिल्क, बच्चे को दूध पिलाया जाता है, उस दौरान आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी दवाइयाँ उस समय लेनी है, कौन सी दवाइयाँ उस समय नहीं लेनी, क्योंकि जैसे प्रेगनेंसी के अंदर इट कैन बी हार्मफुल फॉर द चाइल्ड, लैक्टेशन के अंदर अगर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ ले जाएं जो दूध के थ्रू ट्रैवल करके बच्चे तक जा सकती हैं, तो ऐसी दवाइयों को हमें उस समय अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ड्रग्स विच मे स्टिमुलेट द यूट्राइन स्मूथ मसल, एग्जाम्पल परगेटिव्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स, अर्गट एल्कलॉइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये सारी हमारे को, क्योंकि यूट्राइन मसल स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करती हैं, तो ये अर्ली डिलीवरी के का कारण बन सकते हैं, इसलिए हमें ऐसी दवाइयों को हमें कॉन्ट्राइंडिकेट करा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग लैक्टेशन ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामिन, मॉर्फिन एंड टेट्रासाइक्लिन्स विच आर एक्सक्रीटेड इन द मिल्क शुड बी अवॉइडेड और गिवन वेरी कॉशियसली। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लैक्टेशन मीन्स जैसे दूध बच्चे को पिलाया जा रहा है, उस दौरान भी हमारे को एंटी हिस्टामिन, मॉर्फिन, टेट्रासाइक्लिन्स ये दवाइयाँ हमें नहीं देनी, क्योंकि इनकी क्षमता है मिल्क के अंदर एक्सक्रीट होके बच्चे तक पहुँचने की।
नेक्स्ट कम्स द बॉडी वेट. द एवरेज डोज इज मेंशन्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ एम जी पर के जी बॉडी वेट और एज टोटल सिंगल डोज ऑफ एन एडल्ट वेइंग बिटवीन 50 to 100 किलोग्राम्स. ठीक है, तो हमारी जो डोज सेट करी जाती है वो एम जी पर के जी के हिसाब से होती है. पर एडल्ट्स को हम 50 to 100 kg की रेंज में मान लेते हैं, तो हम उनकी एक सिंगल डोज बना देते हैं जिसमें विच इज हेल्पफुल फॉर वेट बिटवीन 50 to 100 kg. तो उसमें फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, और 50 to 100 kg के सारे लोग हैं. हाउएवर द डोज एक्सप्रेस्ड इन दिस मैनर मे नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अबीज पेशेंट्स. जो मोटे होंगे, ओबीस लोग होंगे, उनके केस में हमारे को हो सकता है दवाई की एक्सटेंड बढ़ानी पड़े. बच्चों के अंदर और माल नरिश मीन्स जिनका वेट कम होता है, माल नरिश पेशेंट्स, उनके केस में हमारे को उसके हिसाब से डोज कम करनी पड़ेगी. इट शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट. तो बॉडी वेट के हिसाब से अगर कोई बच्चा है, कोई ओबीस पेशेंट है या कोई माल नरिश पेशेंट है, तीनों अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो इन तीनों कैटेगरीज के अंदर हमारे को बॉडी वेट के हिसाब से फॉर्मूलाज लगा के डोज कैलकुलेट करनी पड़ती है. नेक्स्ट कम्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली आपके ब्लड में जा रहा है. ओरल रूट जो है आपका, जब भी आप ओरल रूट से कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं करता. उससे पहले वो लिवर के थ्रू लिया जाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस करता है. तो उसमें क्या होता है, उस केस में आपको डोज थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि लिवर जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का काम करता है और कुछ ड्रग को वो मेटाबलाइज कर देता है. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपने 100 mg की डोज ली, तो लिवर जो है कुछ उसके अंदर से मेटाबोलाइज कर देगा और कुछ को वो आगे जाने देगा. ब्लड स्ट्रीम तक आने में उसको उसकी डोज जो है वो अगर 100 गई थी तो यू कैन टेक एन एग्जांपल कि 25 उसमें से माइनस कर दी बाय द लिवर, तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में कम हो गई. बट आईवी रूट जो है वो डायरेक्टली, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रहा है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाने का मतलब है कि उसको कोई भी कहीं भी वो मेटाबोलाइज नहीं हो रही है, डायरेक्टली आपकी ब्लड में जा रही है और डायरेक्ट एक्शन देगी वो. तो उस केस में आपकी डोज जो है आपको कम देनी पड़ती है, क्योंकि कहीं भी मेटाबोलाइज तो हो नहीं रही वो ड्रग, समझे बात. तो इंट्रावेनस डोज ऑफ ड्रग्स आर यूजुअली स्मॉलर देन द ओरल डोज बिकॉज डोज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली. ड्यू टू दिस द ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक इन दिस केस एंड देयर मे बी चांसेस ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी. कब होगी ड्रग टॉक्सिसिटी के चांसेस, जब आप बगैर देखे डायरेक्टली इंट्रावेनस रूट से दवाई दे देंगे और उसका डोज ज़्यादा रखेंगे. ओरल डोज के साथ अगर आप मान लीजिए 500 mg पैरासीटामोल ओरली दे रहे हो और 500 mg पैरासीटामोल इंट्रावेनसली दे दोगे, तो वो ड्रग टॉक्सिसिटी कर देगा, आपके लीवर पे उसका इफेक्ट आने लग जाएगा और बॉडी पे उसका इफेक्ट आने लग जाएगा, समझे. द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन इज जनरली कंट्रोल्ड बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. कि कैसा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से ही आपको ड्रग फॉर्मुलेशन सेट करनी पड़ती है. नेक्स्ट इज टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जैसे आप खाना खाने के साथ ही आपने दवाई लेनी है, खाना खाने से पहले आपने दवाई लेनी है, बिल्कुल खाली पेट आपने दवाई लेनी है, किस तरह से आपने दवाई लेनी है, दैट मीन्स द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. द प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक डिलेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स. द ड्रग्स आर मोर रैपिडली एब्जॉर्ब्ड ऑन एन एम्प्टी स्टमक. तो जब आपको दवाई आपने अगर आपके बॉडी में पहले से आपने खाना खाने के बाद कोई दवाई ली है तो उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होगा. अगर आपका पेट खाली है, कोई फूड प्रेजेंट नहीं है, एम्प्टी स्टमक है, तो आपकी एब्जॉर्प्शन जो है वो रैपिड होगी. सो द अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज इफेक्टिव व्हेन टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक मे नॉट बी एज इफेक्टिव आफ्टर द मील्स. तो खाना खाने के बाद अगर आप कोई दवाई ले रहे हो और आप खाली पेट दवाई ले रहे हो तो उनकी इफेक्टिवनेस में फर्क होगा. बट कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपको आफ्टर मील्स ही लेनी होती हैं. जैसे डॉक्टर आपको कई बार कहता है कि बेटा आपने ये दवाई जब लेनी है तो आफ्टर मील्स लेनी है. क्यों? क्योंकि वो आपके वो ड्रग जो होगी वो इरिटेटिंग होगी अगर आप खाली पेट ले लेंगे. इट कैन कॉज अल्सरेशन, इट कैन कॉज मैनी प्रॉब्लम्स इन द स्टमक. तो वो बेटर टॉलरेटेड तब होंगी जब आपके बॉडी में आपके खाने आप खाना खा के बैठे हैं. फॉर एग्जाम्पल आयरन, आर्सेनिक, कॉड लिवर ऑयल, दे ऑल शुड बी गिवन आफ्टर द मील्स. तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी दवाई आपने खाना खाने के बाद लेनी है, कौन सी दवाई आपने खाना खाने से पहले लेनी है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स. डे लाइट इज अ स्टिमुलेंट एनहांसिंग द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग ड्रग्स एंड डिमिनिशिंग द इफेक्ट ऑफ हिप्नोटिक्स. जैसे आप मैं आपको
एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे कोई ऐसी दवाई है जो डेलाइट में आप ले रहे हैं, अगर आप डेलाइट में ऐसी दवाई लेंगे जो आपको स्टिमुलेट कर रही है, स्टिमुलेट मीन्स आपका CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रही है, वो दवाई का इफेक्ट ज्यादा होगा डेलाइट में, क्योंकि डेलाइट में आप वैसे ही जाग रहे हो, और अगर डेलाइट के समय आपको ऐसी दवाई दे दी जाएगी जो जिसका स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होगा, स्टिमुलेट कर रहा है आपकी बॉडी को, तो उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। बट इन केस ऑफ अगर आप उस समय कोई हिप्नोटिक्स ले रहे हैं, कोई सिडेटिव्स ले रहे हैं डेलाइट के अंदर, तो उसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। हिप्नोटिक्स आपको कब लेने हैं, उनका इफेक्ट कब बढ़ता है, जब रात होगी, रात के समय उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रात का समय होता है नींद का समय, तो उस समय सिडेशन का, सिडेटिव्स का काम बढ़ जाता है। द अमाउंट ऑफ बार्बिट्यूरेट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम इज मच हायर देन द डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्लीप एट नाइट। तो जैसे बार्बिट्यूरेट्स हम देते हैं सिडेटिव एक्शन के लिए, अगर आप उनको मॉर्निंग में लेंगे तो उनकी डोज हायर होगी, बट अगर आप उनको रात को लेंगे तो उनकी डोज लेस होगी, क्योंकि सिडेशन रात के समय वैसे ही बड़ी होती है। अंडरस्टूड? तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स मीन्स डे लाइट में आपने स्टिमुलेंट देने हैं, और जो आपने हिप्नोटिक्स देने हैं या जो सिडेटिव देने हैं वो रात में देने हैं, क्योंकि उनका इफेक्ट जो है वो दिन में और रात में अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंगली होता है। नेक्स्ट फैक्टर इज इमोशनल फैक्टर। एज यू नो द फीमेल्स आर मोर इमोशनल देन मेल्स एंड रिक्वायर लेस डोजेज ऑफ सर्टेन ड्रग्स। तो फीमेल्स के केस में क्या है, क्योंकि ज्यादा इमोशनल होती हैं तो उनकी डोज जो है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेल्स, क्योंकि मेल्स आर लेसर इमोशनल, तो उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेटेड है, और उसके हिसाब से ड्रग को वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा और एक्शन जो है वो अच्छा आ जाएगा। इनर्ट डोजेज विच इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लसीबो, वेरी इंपॉर्टेंट प्लसीबो, यू ऑल मस्ट नो। प्लेसिबो में इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे आपने कोई एक इनर्ट डोज बना दी, इनर्ट डोज मीन्स उसका कोई इफेक्ट नहीं है, आपने उसको दे दिया एक्चुअल मेडिकामेंट की जगह, तो उसके इफेक्टिवनेस देखी गई है, इफेक्टिवनेस देखी गई है, क्योंकि आपके दिमाग को ये पता है कि इसके अंदर कोई दवाई है। आपको डॉक्टर ने बोला कि आप ये दवाई लीजिए, आपका इससे एंजाइना पेक्टोरिस, ब्रोंकियल अस्थमा में इसका इफेक्टिवनेस है, तो आप क्या करेंगे, जब आप उसको दवाई को लेंगे तो आपके, क्योंकि आपको दिमाग में ये चल रहा है कि डॉक्टर ने मेरे को ये बोला हुआ है कि इसका इफेक्ट है, चाहे वो इनर्ट डोजेज फॉर्म है, चाहे उसके अंदर कुछ भी नहीं है, पर क्योंकि डॉक्टर ने आपके दिमाग में ये डाल दिया है कि वो इफेक्टिव है, तो आप उसको जब लेंगे तो उसके इफेक्ट्स आ सकते हैं, आते हैं लोगों के अंदर। सो दिस इज नोन एज प्लसीबो, ऑलवेज रिमेंबर प्लसीबो, याद रखिएगा प्लसीबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है, जब कोई इनर्ट डोजेज फॉर्म एक्चुअल मेडिकामेंट की जगह दी जाए और वो इफेक्ट शो करने लग जाए, दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्लेसिबो। प्रेजेंस ऑफ डिजीज, प्रेजेंस ऑफ डिजीज मीन्स कि जैसे आप किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, तो जब आप उसको दवाई देंगे तो कुछ दवाइयां जो लिवर से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है, वो कम इफेक्टिव होंगी अगर वो एरिया जो है वो इफेक्टेड है। अगर कोई डिजीज आपको लिवर की है तो उस केस में अगर आप बारबिट्यूरेट्स, क्लोर प्रोमाजीन लेंगे तो उसके अनयूजुअली प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट आएंगे, क्योंकि लिवर मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा। और दूसरा एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन विच इज एक्सक्रीटेड मेनली बाय द किडनी, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एक्सक्रीटेड मेनली बाय द किडनी, तो वो मेटाबोलाइज वहीं हो रही है, एक्सक्रीट वहीं से हो रही है, तो उसको अगर कोई ऐसे पेशेंट को दिया जाएगा जिसको किडनी फेलियर हो चुका है या किडनी डिजीज्ड है, डिजीज स्टेट में है, तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां से एक्सक्रीट प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी और वहीं एक्यूमुलेटेड रहेगी। तो उस केस में भी आपको ध्यान रखना है कि हम ऐसी दवाइयां ना दें ऐसे पेशेंट को जो उसके अंदर खराब इफेक्ट्स देना स्टार्ट कर दें अगर वो डिजीज स्टेट में है। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मीन्स एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड मीन्स आपकी बॉडी में वो एक्यूमुलेट हो गए, और जब भी कोई चीज आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होती है, ज्यादा मीन्स खराब करना, टॉक्सिक इफेक्ट्स आने। द ड्रग्स विच आर स्लोली एक्सक्रीटेड may build up sufficient high concentration in the body and produce start producing toxic symptoms if it is repeatedly administered for a prolonged time. मान लीजिए X drug आपने ली और उसकी जो excretion है वो very slow है आपकी body के अंदर से, और for example you took it for around 3 months, आपने उसको continuously ले लिया, 4 months continuously ले लिया, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि वो बॉडी में इकट्ठी होती जा रही है, एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही है, तो वो अपने टॉक्सिक सिम्टम्स, टॉक्सिक इफेक्ट्स बॉडी के अंदर शो करने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल डिजिटलिस, एमिटीन, हैवी मेटल्स,
ये जब भी आपकी बॉडी में जाते हैं क्योंकि एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे, तो जब एक्सक्रीट नहीं हो पा रही कोई चीज तो वो टॉक्सिक इफेक्ट्स शो करने लग जाएगी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, एडिटिव इफेक्ट। व्हेन अ टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ टू और मोर ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड टुगेदर इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन, दिस फिनोमिना इज नोन एज एडिटिव इफेक्ट। क्या हुआ मतलब, मान लीजिए एक्स ड्रग का 100 इफेक्ट था, वाई ड्रग का 50 इफेक्ट था। जब ये दोनों ड्रग्स को इकट्ठे एडमिनिस्टर किया जाता है तो इफेक्ट जो है वो 150 हो जाता है, सम हो जाता है। समझे बात? एक्स हैज 100 इफेक्ट, वाई हैज 50 इफेक्ट। व्हेन गिवन टुगेदर द इफेक्ट इज 150। तो आपने क्या किया, दो गोलियों की जगह एक गोली बना दी, एक्स प्लस वाई की एक गोली एडमिनिस्टर कर दी इकट्ठे, और जब आपने उसको इकट्ठे एडमिनिस्टर किया तो उनका इफेक्ट जो है वो ऐड हो गया, एडिटिव इफेक्ट हो गया, दोनों का इफेक्ट बराबर हो गया। 100 प्लस 50 मीन्स 150 इफेक्ट आपका, जो टोटल अलग अलग देने पे आना था उनका इफेक्ट पूरा आया, दैट इज नोन एज एडिटिव इफेक्ट। तो ये एडिटिव इफेक्ट तब दिया जाता है जब कॉम्बिनेशन ड्रग्स दी जाती हैं या अलग अलग दवाइयों को इकट्ठे डॉक्टर देता है कि आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी में कोई इफेक्ट, बुखार आपका उतर नहीं रहा है, तो जब आप बुखार के अंदर पैरासीटामोल के साथ कोई और दवाई ऐसी ले लें जिसका भी एंटीपायरेटिक एक्शन है, वो आपके फायदे की चीज हो जाएगी। जैसे मेफेनेमिक एसिड विद पैरासीटामोल आपने ले लिया तो आपका बुखार जल्दी उतर जाएगा क्योंकि उनका एडिटिव इफेक्ट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म इज रिलेटेड टू एडिटिव इफेक्ट, बट इसमें होता क्या है, फर्क क्या आता है, सिनर्जिज्म के केस में कॉम्बिनेशन के अंदर दवाई जो का इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक्स को वाई के साथ लिया, एक्स का इफेक्ट 100 है, वाई का इफेक्ट 50 है, बट व्हेन टेकन टुगेदर कॉम्बिनेशन के अंदर जब लिया जाता है तो एक्स का इफेक्ट 100 से 120 हो गया, वाई का 50 रहा, बट एक्स का इफेक्ट जो है वो बढ़ गया। तो जब एक दवाई दूसरी दवाई के साथ ली गई और पहली दवाई का इफेक्ट या दूसरी दवाई का इफेक्ट, कोई भी एक का इफेक्ट बढ़ गया, उसको हम बोलते हैं सिनर्जिज्म। व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर टेकन इन कॉम्बिनेशन फॉर्म देयर एक्शन इज इंक्रीज्ड, दिस फिनोमिना इज नोन एज सिनर्जिज्म। फॉर एग्जाम्पल प्रोकेन एंड एड्रेनलिन व्हेन टेकन इन कॉम्बिनेशन, समझे, कॉम्बिनेशन में आपने लिया और कॉम्बिनेशन में लेने से क्या हुआ, एड्रेनलिन का इफेक्ट तो वहीं रहा बट प्रोकेन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ गया, सो दिस इज नोन एज सिनर्जिज्म। अब उसके ऑपोजिट आता है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का अब आप सोचेंगे कि हम ऐसी दवाई क्यों लेंगे जो एंटागोनिस्ट का काम करे, दूसरे के इफेक्ट को कम कर दे, बट उसका भी यूज फार्मेसी में होता है। फार्मेसी में उसका यूज कहाँ होता है, इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय द एक्शन ऑफ अदर ड्रग इन दिस ऑन द सेम फार्माकोलॉजिकल सिस्टम, इट इज नोन एज ड्रग एंटागोनिज्म। द यूज ऑफ एंटागोनिस्टिक रिस्पॉन्स टू ड्रग्स इज वैल्यूएबल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। तो जब पॉइजनिंग का केस हो जाता है, कोई दवाई आपने ले ली और उसकी पॉइजनिंग हो गई है, तो उसका इफेक्ट को कम करने के लिए हम साइमल्टेनियसली एक दवाई ऐसी देंगे जो उसके इफेक्ट को कम कर दे। फॉर एग्जाम्पल द यूज ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज गिवेन इन एसिड पॉइजनिंग। एसिड पॉइजनिंग हो जाती है अगर बॉडी के अंदर, तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे देते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करेगा, क्योंकि उसका अल्कलाइन इफेक्ट है तो वो एसिडिक इफेक्ट ऑफ एसिड पॉइजनिंग को न्यूट्रलाइज कर देगा। अंडरस्टूड? जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हैज एल्कलाइन इफेक्ट और एसिड पॉइजनिंग का एसिडिक इफेक्ट है, तो जब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे देते हैं तो एसिड पॉइजनिंग का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। नेक्स्ट, इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इडियोसिंक्रेसी में क्या होता है, इडियोसिंक्रेसी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू अ ड्रग। जैसे आप नॉर्मली आप इसको हम कर लेते हैं कि जैसे आपने कोई दवाई ली और उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आ गया, तो उसको हम मानते हैं कोई एलर्जी हो गई, आपको किसी दवाई से एलर्जी है, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स इडियोसिंक्रेसी इज बैड फॉर द बॉडी। तो इसके अंदर क्या है, जैसे डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है, तो उसका क्वेश्चन ही होता है कि डू यू हैव एनी इडियोसिंक्रेसी विद एनी ड्रग। कई बार डॉक्टर्स पूछते हैं ना, एलर्जी तो नहीं है आपको किसी दवाई से, तो वो उसका मतलब यही होता है। जैसे कुछ पेशेंट्स को अगर एस्पिरिन दी जाती है, नॉर्मल एस्पिरिन आप लेंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इन सम पेशेंट्स क्या होता है, जब उसको एस्पिरिन दी जाती है तो गैस्ट्रिक हीमोरेज हो जाती है। गैस्ट्रिक हीमोरेज मीन्स ब्लड लॉस होने लग जाएगा गैस्ट्रिक रूट में, तो वो
एलर्जी है जो कुछ लोगों के अंदर होती है एस्पिरिन लेने से। ऐसी पेनिसिलिन की सेंसिटिविटी कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होती है, उनका पेट ही अपसेट हो जाता है पूरा। तो दिस कम्स अंडर द इडियोसिंक्रेसी पार्ट। नेक्स्ट इज टॉलरेंस। व्हेन अनयूजुअली लार्ज डोज ऑफ अ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन विच कुड हैव बीन अदरवाइज प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉर्मल डोज। जैसे मान लीजिए आप कोई व्यक्ति एक चेन स्मोकर है, ठीक है, तो चेन स्मोकर को अगर आप क्योंकि वो चेन स्मोकर है, अगर आप उसको निकोटीन देते हैं किसी फॉर्म के अंदर, तो उसको थोड़े निकोटीन से उसका काम नहीं चलेगा, उसको थोड़े निकोटीन से उसको फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं मिलेगा, उसको ज़्यादा मात्रा में आपको निकोटीन देनी पड़ेगी तभी वो काम कर पाएगा। ट्रू टॉलरेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय ओरल और पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड सूडो इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय द ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दवाई, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ और उस इन्फेक्शन के अंदर आपको दवाई चाहिए थी, कोई भी लोअर रेंज एंटीबायोटिक, कोई टेट्रासाइक्लिन से आपका काम चल सकता था। तो जब आपको टेट्रासाइक्लिन से काम चल सकता हो और आप एक हायर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ले लेते हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन, तो आफ्टर अ वाइल एजिथ्रोमाइसिन विल नॉट बी इफेक्टिव। तो उस केस में आपको फिर बाद में सॉरी आपका टेट्रासाइक्लिन विल बी नॉट इफेक्टिव, नॉन इफेक्टिव हो जाएगी वो, तो आपको बाद में सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन या उससे हायर एंटीबायोटिक्स ही इफेक्ट कर पाएंगे। सो दिस इज नोन एज टॉलरेंस। टॉलरेंस मीन्स कि जब आपके बॉडी को ज़्यादा की आदत हो जाती है उसके बाद आप कम देंगे तो वो इफेक्ट नहीं शो करेगा। दिस इज हिंदी में आराम से समझने के लिए ये है, जब आपकी बॉडी को ज़्यादा की आदत हो गई है आप कम देंगे तो आपकी बॉडी उसको इफेक्ट नहीं दे पाएगी, उसका इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, दैट इज नोन एज टॉलरेंस। नेक्स्ट इज टैकीफैलेक्सिस। टैकीफैलेक्सिस इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन सर्टेन ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड रिपीटेडली एट शॉर्ट इंटरवल्स, जैसे बहुत छोटे थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे 3 6 6 घंटे बाद आप वो दवाई बार बार लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होगा, वो आपके सेल रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। और आप दवाई इनिशियली जो इफेक्ट आ रहा था क्योंकि वो सेल्स को ब्लॉक कर दिया है उन्होंने रिपीटेडली लेने के कारण, तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो होगा वो उस ड्रग का कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? आप सिंपल सा एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक सेल है मान लीजिए, उस सेल के ऊपर वो ड्रग इकट्ठी होती गई होती गई होती गई होती गई, उसने सेल को पूरे को ब्लॉक कर दिया। अब सेल के रिसेप्टर्स पे कोई जगह ही नहीं है, कोई रिसेप्टर्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या होगा, जब आप सेल के रिसेप्टर्स पे जगह नहीं होगी तो वो उसका इफेक्ट जो है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एफिड्रीन व्हेन गिवन इन रिपीटेड डोज एट शॉर्ट इंटरवल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा मे प्रोड्यूस वेरी लेस रिस्पॉन्स ड्यू टू टैकीफाइलेक्सिस। तो एफिड्रीन अगर हम बहुत शॉर्ट इंटरवल्स पे देते रहेंगे बार बार ब्रोंकियल अस्थमा के केस में, तो उसका रिस्पॉन्स बहुत कम हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं टैकीफाइलेक्सिस। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेज इज रिलेटेड टू योर स्टमक चेंजेस इन द वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर, अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्टर्स मे मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। जैसे सैलिसिलेट्स रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, ओनली तभी सैलिसिलेट्स काम करते हैं जब आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, अगर वो नॉर्मल होगा तो वो उसको कम करेंगे ही नहीं, उनका एंटीपायरेटिक एक्शन तभी काम आएगा जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू। सो टुडेज टॉपिक वॉज द फैक्टर्स इफेक्टिंग द डोज। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एडल्ट डोज से चाइल्ड डोज और चाइल्ड डोज से एडल्ट डोज। ठीक है, थैंक यू।